वेलकम टू द किंगडम ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, अली बाबा और 40 चोर। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी के पास एक छोटे से भारतीय गांव में अली बाबा नाम का एक युवक रहता था। वह एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत गरीब भी था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तो उसको घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वह बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और उसने देखा कि बहुत सारे घोड़े एक विशाल चट्टान की ओर भाग रहे हैं। जब वे उस विशाल चट्टान के पास पहुंचे, तो एक आदमी ने कहा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अचानक वह विशाल चट्टान अपने आप हिल गई। उस चट्टान के पीछे एक बड़ी गुफा थी। सभी अंदर चले गए और कुछ मिनटों के बाद वे सभी बाहर आ गए और एक आदमी ने कहा, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। चट्टान अपनी जगह पर वापस चली गई और गुफा बंद हो गई। घुड़सवारों का दल वहां से चला गया। अली बाबा ने सोचा कि अंदर जाकर देखे कि अंदर क्या है। वह वहां गया और गुफा खोलने के लिए वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और चट्टान फिर हिली। अली बाबा अंदर चला गया और इतना सारा सोना और जवाहरात देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अली बाबा ने अपनी जेबों में उतना सोना भर लिया जितना वह ले जा सकता था और फिर वह बाहर आया और पत्थर के दरवाजे को बंद करने के लिए फिर से जादुई शब्द बोले, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। गुफा बंद हो गई और वह अपने घर चला गया। उसने खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। अगले दिन अली बाबा का भाई कासिम उससे मिलने आया। कासिम एक लालची आदमी था और वह हमेशा जल्दी अमीर बनने के तरीके ढूंढता रहता था। अली बाबा ने कासिम को खजाने की गुफा के बारे में बताया, लेकिन उसने उसे बहुत लालची न होने की चेतावनी भी दी। कासिम उसी रात जंगल में गया। उसने ज्यादा से ज्यादा खजाना ले जाने का निश्चय किया। उसने गुफा ढूंढी और उसे खोलने के लिए जादुई शब्द कहे, लेकिन जब उसने सारा खजाना देखा, तो वह इतना लालची हो गया कि वह अली बाबा की चेतावनी के बारे में सब भूल गया। कासिम ने अपनी जेबें और कपड़े सोने और गहनों से भर दिए, लेकिन जब उसने गुफा से निकलने की कोशिश की, तो उसे जादुई शब्द याद नहीं रहे। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह सोच सकता था, लेकिन चट्टानी दरवाजा नहीं खोल सका। थोड़ी देर बाद चोर गुफा में लौटे और कासिम को अंदर देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि वह अंदर कैसे आया और कासिम ने डरते हुए उन्हें अली बाबा और उसकी कहानी के बारे में बताया। फिर उन्होंने कासिम को मार डाला और अली बाबा को खोजने की योजना बनाई। उस रात चोरों के कप्तान अबू हसन ने एक योजना बनाई और एक मसाला व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर गए। उसने अली बाबा से कहा कि वह रात के लिए रुकने के लिए जगह तलाश रहा है। अली बाबा एक दयालु व्यक्ति थे, इसलिए वह अबू हसन को रहने देने के लिए सहमत हो गए। जब अली बाबा सो रहा था, अबू हसन ने खजाने की खोज बीन की। उसे वह सोना और गहने मिले जो अली बाबा ने गुफा से निकाले थे, और उसे एहसास हुआ कि अली बाबा को गुफा खोलने का रहस्य पता चल गया है। अबू हसन ने अली बाबा के घर पर एक गुप्त निशान लगा दिया ताकि वह बाद में उसे दोबारा ढूंढ सके। उसने इस बार अली बाबा को मारकर सारा खजाना चुराने की योजना बनाई, लेकिन अली बाबा की पत्नी सलमा ने अबू हसन को घर पर निशान लगाते हुए देख लिया। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अली बाबा को बताया कि उसने क्या देखा था। अली बाबा सलमा की चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए उसके आभारी थे। उसने अबू हसन और उसके चोरों के गिरोह को मात देने की योजना बनाई। वह 40 बड़े बड़े मटके लाया और उन्हें अपने घर के पास रख दिया। फिर उन्होंने अबू हसन को रात के खाने के लिए बुलाया। अबू हसन चतुर था और समझ गया कि यह कोई योजना हो सकती है।
उसने अपने साथियों से कहा कि वे चुपचाप आकर छुप जाएं और हमले के लिए उसके संकेत का इंतजार करें। अबू हसन अली बाबा के घर गया और भोजन करने बैठा। उसके साथी भी अली बाबा के घर के बाहर चले गए और खुद को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने उन विशाल मटकों को देखा और वे खुद को छिपाने के लिए उनमें कूद गए। सलमा ने अबू हसन को शराब परोसी और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह बहुत अधिक शराब पिए। जब अबू हसन नशे में धुत था और सो रहा था, अली बाबा ने उसे मार डाला। सलमा ने चतुराई से उन बड़े बर्तनों में गर्म पानी डाला और उन्हें ढक दिया और सभी 40 चोर भी मारे गए। इस तरह अली बाबा और सलमा ने सभी चोरों और उनके सरदार को मार डाला। अली बाबा और सलमा अपने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए गुफा के खजाने का उपयोग करके हमेशा खुशी से रहने लगे। उन्होंने गरीब और भूखे लोगों की मदद करना और उन्हें खाना देना शुरू कर दिया। कहानी का सार, हमें जीवन में कहीं भी इतना लालची नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।